सेवन हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल जो पुस्तक आपने शायद पढ़ा होगा स्टीफन कॉवी जो सबसे बड़े माने जाने वाले मैनेजमेंट गुरु थे उन्होंने यह पुस्तक लिखा है कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट बुक एवर रिटर्न न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में साठ हफ्ते तक यह टॉप पे थी और आज शायद 90 प्रतिशत बी स्कूल्स में जहां एमबीएस की डिग्रीज मिलती हैं यूरोप अमेरिका के साथ सब स्कूल्स में यह पुस्तक पढ़ाई जाती है और फॉर्च्यून फाइव हंड्रेड कंपनी के शायद ही कोई एग्जीक्यूटिव बचे होंगे जिन्होंने इस पुस्तक का कोई कोर्स ना किया हो कोई क्रैश कोर्स एक हफ्ते का दो हफ्ते का पांच हफ्ते का कोर्स कोर्स ना किया हो इस पुस्तक उन्होंने लिखा बहुत समझने वाली ये बात है ध्यान से सुनना उन्होंने अपने जीवन में यह पुस्तक लिखने से पहले तीन हजार सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया जो सिर्फ धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में सफल नहीं बड़े व्यवसाय के साथ जीवन के सभी रोल में सफल थे हस्बैंड या वाइफ ब्रदर या सिस्टर नेबर या रिलेटिव फ्रेंड डॉटर या सन सभी जो रोल हमें जीवन में सभी को करना है वो सभी रोल में ये लोग सफलता उन्होंने पाई थी ऐसे तीन हजार से ज्यादा लोग को वे मिले और मिलने के बाद शांति से तीन साल तक सोच मतलब विचार किए और फिर ये पुस्तक लिखिए सेवन हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के जीवन में ये सात आदतें मैंने कॉमन देखी मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है हम लोग एक्टिव तो हैं प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो आप जो ट्रस्ट में हो जो संस्था में हो जिसमें आपका प्रोजेक्ट आपका विचार अच्छे थे लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया फिर भी आप इतने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव आपका किसी ने अपमान किया फिर उस वक्त आप फिर रह सकते हो ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई अ सेटबैक अ फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव किसी ने चांटा मारा फिर भी आप हंस रहे हंस सकते हैं टू कीप योर सेल्फ स्टेबल इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाओं दूसरी बात लिखते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका अंतिम परिणाम आप क्या चाहते हैं वो आप अभी से सोच लें और अंतिम नतीजा शायद क्या भी आ सकता है वो भी आप तैयार कर लें। तीसरी बात लिखिए पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट प्रायोरिटी चौथी बात लिखी है थिंक विन विन आप भी जीते मैं भी जीतू आप भी पैसा कमाए मैं भी कमाऊं आप भी सुखी हो मैं भी सुखी हूं क्योंकि ये नेट का जमाना है एज ऑफ इंफॉर्मेशन है क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ एक बार दो बार चीटिंग कर पाओगे तीसरी और चौथी बार नहीं ये नो थिंक विन विन मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते मैं भी जीतू वो भी सुखी हो मैं भी सुखी हूं दोनों कमाए पांचवी बात लिखी थी सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए यह आदत बहुत जरूरी है सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें फिर वो व्यक्ति मुझे समझे ऐसी अपेक्षा रखे हमारी बात यह होती है कि देख तू मेरा सुन पहले तू मेरी बात सुन ये स्टीफन को अभी लिखते हैं ये तीन हजार सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी पहले वे सामने वाली व्यक्ति को शांति से सुनते थे कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दो उत्तर देने के लिए मत सुनना स्टीफन को लिखते हैं एम्फेटिक लिसनिंग समझने के लिए सुनना आदत हुई सिक्स लिखते हैं सिनर्जी एनर्जी तो हम सब समझते हैं मतलब आगे ऐसा लगता है सिनर्जी मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं काम करना शुरू करते हैं मतभेद हो जाते हैं कभी मनभेद भी हो जाते हैं फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं साथ रहते हैं और चर्चा करते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए अपनी एनर्जी रिसोर्सेज अंदर डालते हैं एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं उसको सिनर्जी बोलते हैं सीनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है थ्री वन इंडियन इक्वल टू थ्री जैपनीज एक भारतीय उसमें इतनी ताकत होती है तीन जापानीज जो काम कर सकते हैं वो एक भारतीय कर सकता है वन इंडियन इक्वल टू थ्री जापानीज टू इंडियंस इक्वल टू वन जापानीज अब पता चला जब दो भारतीय साथ में आते हैं ना तब टूटता है मेरे हिसाब से करना है वो बोले मेरे हिसाब से करना है तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है एक जैसी एंड थ्री इंडियंस इक्वल टू जीरो तीन साथ में आ जाते हैं तो जीरो बन जाता है मुझे तो अभी कहा गया कि सब यहां जो आपकी टीम है जीतो की और जो ऑर्गेनाइजेशन और के सब कई बार बात करते थे सब जब पीछे बैठे बहुत सम से एक बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बोल रहे थे कि सब यहां देने आए हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं। तो ये एक भावना है तो ये इतना बड़ा काम होता है वरना कैसे होता है और सेवेंथ हैबिट लिखते हैं शार्पन योर सॉ मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू कट अ ट्री बाय अर टू शार्पन इट तो योर सॉ योर फिजिकल सॉ यूर टू कीप एक्सरसाइजेस मेंटल सॉ यूर टू कीप गुड रीडिंग एंड थिंकिंग गुड your emotional saw that is you have to have the right type of feelings and your spiritual saw isme stephen covey likhte hain ki connect with your creator through prayers every day aap apne sarjanhar ke sath sambandh nitya rakhna prarthna ke roop se ये 3000 हजार सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी यह सफलता का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के जो लाइट हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई एडिसन को किसी ने बताया वे चले सुबह में देखा कि इट वॉज ऑफ एशेज छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कितने <laughs> 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 स्थिर थे और एडिसन की पत्नी जब आई तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया और एडिशन बोले ऊपर देख के थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स आई आई एम कमिंग बैक स्टार्ट अगेन और ये इलेक्ट्रिकिटी और ये लाइट हमको दी उस उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार मेरी सब गलतियां जल गई वो गलतियां नहीं थी जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स से डेटा था गॉट माई पॉइंट जब तक वो पेपर थे जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी लेबोरेटरी थी तब तक वो सब क्या था रेकॉर्ड और डेटा था एक बार जल गई यहां अभिगम बदल दिया गलतियां थी जल गई आई विश हि डिड इट एंड गेव दिस कहा से इतना बल आता इस परिस्थिति में